कॉलेज में चल रहे स्पोर्ट्स और आज ऑडिशन है। और ये चार रन की तरफ जाते हुए बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए ये पहली बॉल भाई पहली बॉल की चक्कर लगाया गया। चार रन ये गाइस अभी मैं हूँ अपने कॉलेज पर, तो कॉलेज में ही रहकर व्लॉग स्टार्ट करने का सीन ये है ना कि गाइस कॉलेज में चल रहा है स्पोर्ट्स और एनुअल डे का इवेंट आ रहा है और आज देख लो अच्छी खासी अटेंडेंस है। सो गाइस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो हमारे कॉलेज में चल रहा है स्पोर्ट्स और एनुअल डे, तो एक्चुअली सीन ये है कि आज से ही चालू है, आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख से आज GPL है। GPL मतलब GC प्रीमियम लीग, उसमें होता है क्रिकेट। तो हमारे कॉलेज में सबसे जो बेहतरीन होता है ना वो होता है क्रिकेट, तो बेसिकली आज क्रिकेट है और हमारी टीम का जो मैकेनिकल की टीम है उसका आज फर्स्ट मैच है, तो वो होगा 1:30 बजे। उसके बाद बता दूं तो 7 तारीख को है एक बॉलीवुड डे और उसी दिन हमारा फ्लैश मॉब होगा जिसकी प्रैक्टिस मैं हम लोग अभी करते हैं, वो भी दिखाऊंगा। और एक पर्सनल डांस है जो 9 तारीख को एनुअल डे है ना उस दिन को मैं डांस भी कर रहा हूँ, तो आपको जो है 9 तारीख को ये एनुअल डे वाला व्लॉग भी मिल जाएगा आगे। तो हाँ यही कुछ सीन है। तो अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, अभी मैं क्लास अटेंड किया क्योंकि आज सैटरडे है, अभी सुबह से क्लास थी ना तो 9:30 बजे से क्लास थी, बिना कुछ खाया आ गया था और अभी मैं जा रहा हूँ इधर क्योंकि यहाँ पर करेंगे हम लोग डांस प्रैक्टिस। 9 तारीख को जो एनुअल डे है ना उसके लिए हम लोग डांस कर रहे हैं, तो अभी मेरे टीम मेंबर्स भी है, चलिए मिलाते हैं। सो गाइस मीट माय टीममेट्स। श्रीनिवास कहाँ है? तो उधर गाइस वो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। और बाय द वे बता दूँ तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कबड्डी होगा करके जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो, और गाइस ये जो एरिया है ना वो हमारा वर्कशॉप एरिया है बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच का, तो इधर जो है वर्कशॉप वगैरह होता है, तो यहाँ पर सब थोड़ा ग्राउंड अभी रेडी नहीं है क्योंकि वो मैच होगा हमारी 4 तारीख को और आज 2 तारीख है। तो गाइस ये तो बता दिया कि आज जो है 2 तारीख है और कबड्डी है करके, उसके साथ एक और अनाउंसमेंट है जो 9 तारीख को एनुअल डे होगा ना, तो 9 तारीख को एनुअल डे होगा उसके लिए डांस में परफॉर्म किए हैं तो उसका आज ऑडिशन है, तो 2 तारीख को 2 से 5 तक का मतलब GPL चलेगा और 7 तारीख को है फ्लैश मॉब और बॉलीवुड डे, देन 8 तारीख को महाशिवरात्रि में भी उस दिन छुट्टी है, उसके बाद आ गया 9 तारीख, तो 9 तारीख को है कल्चरल फेस्ट एनुअल डे अपने कॉलेज का कौसलम 2K24 बोलते हैं, उसका इनॉग्रेशन हुआ था, उसका क्लिप डाल दूंगा मैं। तो हाँ तो वही है, तो उसके लिए आज ऑडिशन है 2 तारीख को, कहाँ हमारे कॉलेज के MV हॉल में, तो हॉल है वहाँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगभग सीख गए हम लोग, थोड़ा सा बस बचा है तो वही मेजर पोर्शन, तो उसी के लिए आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत क्लिप दिखाता हूँ, देन ऑडिशन है, देखते हैं ऑडिशन में अपन पास होते हैं या नहीं होते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस अभी सीन हो गया यार, अभी जस्ट मैं सर को कॉल किया था जो कल्चरल इवेंट के कोऑर्डिनेटर है डांस के लिए, हिमांशु सर हैं, तो उनको कॉल किया तो फिर पता चलता है कि हमारा ऑडिशन जो है आज कैंसिल हो चुका है, देन उसके बाद सर ने अभी नोटिफिकेशन डाला था, मैं मां सोचा था कि 2 तारीख को वो ऑडिशन है तो आज ब्लॉक करते हैं करके, बट कोई नहीं आज प्रैक्टिस दिखाते हैं, आज प्रैक्टिस है, आज मैच है अपने प्लेयर्स का, तो अब ऑडिशन जो है 4 तारीख को होगा तो उसका ब्लॉग भी मैं ज़रूर डालूंगा। तो हम लोग जो डांस कर रहे हैं ना उसका थीम बता दूँ, तो हम लोग कर रहे हैं मराठी थीम पर डांस, तो हाँ मराठी थीम पर डांस कर रहे हैं, तो गाना गर्ल्स लोगों का सिंगल है और एक गाना बॉयज लोगों का सिंगल है, उसके बाद फिर 2 गाना जो है कॉम्बो है ग्रुप डांस। इसे बताते तक आ गया मेरा श्रीनिवास जो कि है डांस पार्टनर, मैं और ये गाइस अभी बज चुके हैं 12:41 और आज की मतलब अब फुल्ली टाइम प्रैक्टिस हो चुकी है और ऑडिशन तो आज कैंसिल हो गया, तो जो ऑडिशन होगा वो 4 तारीख को होगा, तो उसका व्लॉग मैं डाल दूंगा। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ रूम, कुछ खाएंगे पियेंगे, देन उसके बाद ना मैच है हमारे दोस्त लोगों का मैकेनिकल माइनिंग 3rd ईयर का, तो सेकेंड ईयर ET वालों के साथ है अभी, तो
तो उनके साथ मैच है, तो अभी फुल सपोर्ट करने जाएंगे। मैं तो क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, हाँ बट मैं कबड्डी ज़रूर खेलता हूँ, वो तो इन्फॉर्म कर ही चुका हूँ। तो अब फिलहाल तो रूम जाऊँगा। और भाई तो सुबह बादल था ना, तो मैं पहन के आया था हुडी, और अभी इतना ज़्यादा पसीना आ गया है ना, अंदर तो पूरा भीग ही चुका हूँ। तो जाके अभी चेंज वेंज करके आएंगे, इधर अपन फुल सपोर्ट करेंगे अपनी बैक माइनिंग की टीम को। तो आगे रूम और हवा ले रहा था। बाय द वे बता दूँ तो ये राजू को तो जानते होंगे, तो ये अपनी टीम के मतलब मेक माइनिंग थर्ड ईयर की स्टार क्रिकेट प्लेयर है। सुनना चाहिए था कि कितने बजे स्टार्ट होगा? अभी कोई फिक्स नहीं है, फिर मुझे लिखा, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि 4 बजे होगा, ऐसे पहले शाम में होगा। शाम को 4 बजे? हाँ, उससे पहले भी हो सकता है। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाना चाहिए। चल ठीक है, अभी मैं खाना बनाता हूँ, फिर चलेंगे। तू कहाँ जाएगा अभी? खेलने बुला रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, सीधा मैच खेलूंगा। चल ठीक, खाना खा साथ में चलेंगे। बज रहे हैं 2:30 और सभी गाइस, बज रहे हैं 2:30 और मैंने बनाई है पुलाव, बस वही आलू के साथ, और ये मिर्च तली थी मैंने, तो इसके साथ अभी खाना खाऊंगा थोड़ा बहुत न्यूज देखते हुए। गाइस फाइनली अभी मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए, मैच देखने जाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, कौन है ये लोग? तो आपको अभी और मिलाता हूँ, एक प्लेयर हमारे थर्ड ईयर के सीनियर, जो कि अभी ना 2 मैच हो चुका है, अभी तीसरा चल रहा है आज के लिए, और 4th मैच है हमारी ईयर वालों का। तो इससे पहले जो मैच हुआ ना, मतलब सर लोगों का, तो 4th ईयर के सर है जो कि यहाँ हमारे साथ रहते हैं, आकाश सर, तो उनका मैच था। वो लोग बता रहे हैं कि वो लोगों ने जीत चुके हैं और काफी बेहतरीन प्ले किए, तो उन सबको अभी बताते हैं कि वो लोग ने छोटा रहे हैं, तो अभी मैं और भैया तीनों को जाएंगे। ऐसे मेरे कहने का मतलब था अभिनव भैया, चल जल्दी जीजू वाले जल्दी करना भाई। एरी मतलब सर निकनेम। तो गाइस अभी पता है मैं स्पेशली क्यों जा रहा हूँ मैच देखने के लिए, क्योंकि अपनी जो टीम है ना वो खेलने भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजा आता है स्लैजिंग करने में। तो अपनी जो टीम है ना मैकेनिकल माइनिंग की तरफ से, तगड़ा ही स्लैजिंग होता है ना, दिल खुश हो जाता है एकदम स्लैजिंग करने में, क्योंकि पिछले बार मैं था क्रिकेट में और हमारे सीनियर थे 4th ईयर में थे जो पिछले बार, तो काफ़ी मज़ा आया था पिछली बार उनके साथ भी मिलकर स्लैजिंग करने के लिए। गुड आफ्टरनून, सो मीट माय टीम गाइस, जो जो रेड जर्सी में है, बाकी अभी मैच चल रहा है। सो गाइस अभी आपको बाउंड्री दिखा देता हूँ, तो यहाँ से स्लेजिंग अंपायर थोड़ा देखेंगे, माहौल को पारिवारिक बना के रखना है, थोड़ा सा ध्यान दे, बच्चे नए हैं। ये चार रन की तरफ जाते हुए बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन रोक लिया। वाह, उड़ के फेंका है, उड़ के विराट। सो अभी देखते हैं क्या स्कोर है। काफी अच्छी कीपिंग की है। ब्लॉगर हमारे बीच, अरे तो यूट्यूब पर चैनल, आइए आपका प्रमोशन कर देते हैं, आइए। दिनेश बिल्कुल, मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है हर्षवर्धन ब्लॉग्स। हमारे जीसी जीपीएल की ब्लॉग बनाते हुए, कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। धन्यवाद। लाइक शॉट शेयर की, इतनी बारिश करें कि ये ले ना पाए। टीम, आपका नाम क्या है? अमित कुमार सिंह, मेरा अमित सिंह नाम है। अभिज्ञान सिंह। मैच हो चुका है खत्म और मैक माइनिंग 4th ईयर की टीम जीत चुकी है एज यूजुअल। या मयंक सर, अभी भी मैक माइनिंग टॉस जीत कर बोर्ड के पहले बॉलिंग। तो गाइस देखो ये अपनी टीम जा रही है पूरी लाल लाल जर्सी में। राजू माजी ऑल द बेस्ट, चल बॉलिंग करना बे तू यार। राजू अच्छे से खेल रहा भाई। ये अपना ग्रुप मैकेनिकल के सपोर्टर क्या जी सांग जी, जीतेगा ना अपना टीम? देखिए अब 2 साल से सूखा पड़ा है, उसके बाद इस साल उम्मीद है, उम्मीद है कि इस बार तो जूनियर्स को भेज देंगे। तो अपनी टीम तो चली गई है फील्डिंग के लिए, और अपोजिशन में टीम है CS और ETNT मिलाकर एक टीम बनी है सेकेंड ईयर वालों की, तो उधर से बैटिंग के लिए आएंगे। ये पहली बॉल, ओ भाई
बॉल पे छक्का लगाया गया। वाह भाई, चल यार झरना अबे यार रोक लिए फील्डिंग भाई। अरे भाई कैच यार, कैच यार, कैच भाई, कैच है, बढ़िया भाई विकेट यार, बढ़िया। दो ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 33। चलो भाई कैच है भाई, कैच विकेट से, विकेट 73 रन, 5 ओवर की समाप्ति पर। टारगेट मैक माइनिंग थर्ड ईयर के लिए बढ़िया। बता दिया जाए कि मौसम बहुत ही खराब हो रहा है, मौसम बड़ा सुहाना, खेल मस्ताना, तो जल्दी जल्दी अपनी फील्ड जमाएं। दो ओपनर जा रहे हैं राजू और आशीष। और ये शानदार गेंद, फील्डर का बहुत ही अच्छा एफर्ट। आशीष, अगर आप लगातार 3 छक्के मारते हैं तो आपके सीनियर विजय के द्वारा आपको एक शील्ड, उसके आगे के आप समझदार हैं। पानी बढ़िया, 4 रन, बढ़िया भाई राजू, यही राजू ये गया, बढ़िया शॉट, बढ़िया 4 रन यार भाई, बढ़िया यार। घबरा रहा है बॉलर, घबरा गया रे, घबरा गया रे, गड्ढा शिवम की आवाज आई मेरे को। भाई वाइड, फिर से वाइड, प्रतीक के मारा राजू का खौफ ओवर की समाप्ति पर 38 रन। ये चलो छक्का राजू, बॉलर गड्ढा है, बॉलर गड्ढा है। आशीष एक छक्का मारकर वापस आते हुए पवेलियन की ओर। वाशु माइनिंग और हसीनाओं की जान। ओवर की समाप्ति पर 81 रन। इस ओवर में अगर झरने कम से कम 12 छक्के मारते हैं तो आप जीत जाएंगे। मैक माइनिंग थर्ड ईयर हार चुकी है और AT&T सिविल सेकंड ईयर ने यह मैच शानदार तरीके से जीत लिया है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। राजू भाई हमारे थोड़े से और टिक जाते ना तो इस बार मैच जो है हमारा अपना होता। फेयर प्ले राजू भाई, क्या मार रहे तुमने। और हमारे एक और बेस्ट प्लेयर हमारे जर्नी जी, और बाकी आशीष भाई थोड़ा नहीं चल पाए, और बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिला, और वासु चले पर लेट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। सुनो, कांग्रेचुलेशंस भाई जीतने के लिए, कांग्रेचुलेशंस। रुकना कांग्रेचुलेशन। हेलो, आप लोगों का मैच कब है और फिर आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा। हमारे यहाँ मैच का फिक्स्चर अभी नहीं आया है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी से भी संपर्क करके हमारा नंबर ले सकते हैं। आपका है, आपका बड़े लोगों का रहता है। ऐसा भी मैच चलता हुआ अब हमारे सेकंड ईयर के जूनियर्स। दिन का आखिरी मुकाबला और बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। चल चलते हैं। हमारे एम्पायर के लिए जोरदार तालियां ईशांग जी, एक भी एम्पायर थे, जबरदस्त एम्पायर। थोड़ा भी इन लोगों करते मैं
जितवा देता पूरा नो बॉल देने पूरा गफलती करने के चांसेस ऐसे छूट भी जाती ना मतलब बॉल को कीपर के हाथ में आने देते मैं कट आउट बोल देता बड़ा हरामी हो बेटा। सो भी गाइस मैच से तो आ गए अब एक गुपचुप खा लेते हैं थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। सो भी गाइस फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ वापस से अपने रूम और सोच रहा हूँ क्या है एक्चुअली अभी ऐसा शेड्यूल चल रहा था कि नहीं मैं रोज डांस प्रैक्टिस में जाता था तो काफ़ी थक जाता था हाथ पैरों में अभी भी दर्द है अभी भी आज सुबह से गए प्रैक्टिस किया उसके बाद ये अब इधर उधर चलना हो जा रहा है और मेरी साइकिल भी पिछले दो महीने से ख़राब है तो हार गए यार अपन लोग। राजू लेकिन देखा ना राजू इज़ द बेस्ट प्लेयर मैं ये पहले से ही समझ गया था कि पूरी टीम जो है राजू के ऊपर डिपेंड थी बट थोड़े हमारे प्लेयर थोड़े से और अच्छे खेल लेते तो जीत जाते और मैं तो नहीं खेलता क्योंकि मुझे सच में नहीं आता कबड्डी खेलता मैं आप सबको तो पता ही होगा। तो गाइस इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड मैं होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो अगला व्लॉग होगा मेरा वो हमारे ऑडिशन पर बेस्ड होगा जो होगा 4 तारीख को कल और मैच होगा 3 तारीख को बट नहीं जाऊँगा मैं एडिट वडिट कर लूँगा तो और कुछ काम है कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो इस व्लॉग को करते हुए यहीं पर एंड मैं आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा हार गए अनफॉर्चुनेटली प्लीज़ लाइक कर देना हाँ बट राजू का जरूरत है एटलीस्ट लाइक तो कर देना। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और ऑसम से व्लॉग में तब तक बाय टेक केयर ऑलवेज कीप स्माइलिंग है ना।